কাজে। प्यार में उछावर करना, प्यार में सब कुछ न्यौछावर करने की दिल होती है। भक्ति मार्ग में जब न्यौछावर करते हैं तो कोई भी चीज, गले का हार या कुछ भी जो कॉस्टली चीज होती है, वो हाथ में लेकर के जिसके ऊपर न्यौछावर करते हैं यूं लुटा देते हैं, उसको कहते हैं न्यौछावर करना। तो हम भी बाप के ऊपर न्यौछावर करते हैं, अर्थात सारे विश्व के कल्याण के लिए न्यौछावर करते हैं। और वो नहीं चल रहा, अच्छा वो नहीं है, है? वो नहीं चल रहा। हाँ जी, हाँ जी, बाबा बेसिक का सेंटर में दीदी लोग अब कहते हैं कि वो लोग कहते सबको देखो, तीन भाई जो है तो तीन भाई का एक भाई अब एडवांस में चला गया, ये कहने का मतलब क्या है? तीन लोगों में सबको समझ गए, एक भाई अब एडवांस में चला गया, तीन भाई का, तीन भाइयों में से एक भाई एडवांस में चला गया, चला गया, ये सब जगह में कह रहा है, ये क्या है, मतलब क्या? सभी मिनी मधुबन में कह रहे हैं। नहीं नहीं, बेसिक का सेंटर जो बेसिक के जो भी सेंटर्स हैं उनसे ऐसी आवाज आपको आ रही है, आपको ही आ रही है या सबको आ रही है? है आपको समझा रही है, ये तीनों भाई जो था एक भाई एडवांस में चले गए, वो बात आपके ही कान में आ रही है कि कोई और के कान में भी आई है? ये मालूम होता है कि उमरा विष्णु शंकर इसको तीन भाई समझाया, हाँ हाँ, तो एक भाई चला गया एडवांस पार्टी में, इसलिए बोला। तो वो कोई नई बात है, वो तो खुद ही कह रही है कि शंकर पार्टी अलग हो गई है। हाँ, और ब्रह्मा पार्टी और विष्णु पार्टी तो उनके साथ ही है, विष्णु पार्टी तो अलग नहीं हो गई है? नहीं नहीं बाबा, विष्णु निर्भय और रमेश भाई तीनों के अंदर में कुछ बोलने चाहते क्या? वो हद की बातें हैं बाबा, हद में कुछ भी नहीं बोलते, सारा सारा बेहद में बोलते हैं। और आठ कदम चल रहा, मैंने भगवान आपको फॉलो कर लिया। हाँ जी, हमारे पूर्वज कितने हैं? हम विश्व कल्याणकारी हैं, आठ पूर्वज हैं, तो सारे विश्व का कल्याण करना है या एक दो कदम ही चलना है? सारे विश्व का कल्याण करना है। गोपाल बाप सिंह से अकेला के फरिश्ते बन गए, ये छोटा बाप के बड़ा बाप, चाहे छोटा बाप हो चाहे बड़ा बाप हो, फरिश्ते तो छोटा बाप नहीं होता। जो छोटा बाप, छोटा बाप है वो ब्रह्मा बाबा है, उसको छोटा बाबा कहें तो कोई बड़ा बाबा भी है, और जो बड़ा बाबा है वो साकार में है या आकार निराकार में है? आकारी स्टेज है, निराकारी स्टेज की बात है, बाकी ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिकल में कोई शरीर छोड़ दिया है। और देवता धर्म की पहला विष्णु का नाम यदि दादा लेगराज होगा तो दो से सात तक सब किस्म का पाठ बजने वाले आत्मा कौन कौन है? देवता धर्म का पहला विष्णु का नाम यदि दादा लेगराज होगा, देवी देवता धर्म का पहला क्या दादा लेखराज कृष्ण होगा? देवी देवता सनातन धर्म का पहला क्या चीज? पहला धर्म का
कृष्ण देवता धाम का पहला कृष्ण का नाम जो दादा लेघराज होगा तो दो से सात तक जो जो नारायण होगा उनके नाम क्या क्या और काका में प्रैक्टिकल रूप क्या प्रैक्टिकल काका रूप सब जगह दुनिया कृष्ण धर्म माले जे नाम अच्छा अच्छा सत्युग में जो आठ नारायण होंगे उन आठ नारायणों के प्रैक्टिकल में यहाँ क्या क्या नाम है पहले नारायण का तो नाम सबको पता है क्या है दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा अब देखना ये है कि ब्रह्मा बाबा ने यहाँ शूटिंग पीरियड में अपना सारा कारोबार किस हाथ में सौंपा भाइयों में किस हाथ में सौंपा और कन्याओं माताओं में कौन ऐसी कन्या माता थी जो मम्मा के बाद सारे यज्ञ में निमित्त बनी बताओ कौन निमित्त बनी बहनों में माताओं में और कौन निमित्त था भाइयों में ओम राधे तो उनके हाथ में हाथ मिला के चलने वाली साथ ही थी वो तो पहले जन्म की निमित्त बन गई ओम राधे और दादा लेखराज ब्रह्मा कौन सी डायनेस्टी के निमित्त बने सतयुग की पहली डायनेस्टी के निमित्त बने परंतु उनके बाद या उनके रहते रहते ही कौन सी आत्माएं थी जिनको यज्ञ का ज्यादा से ज्यादा कारोबार सौंपा गया विश्व किशोर भाऊ थे मम्मा बाबा के सामने ही जास्ती कारोबार उनको सौंपा गया कराची छोड़ करके जब माउंट आबू में आए तो भी मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद जो सोमनाथ मंदिर की शूटिंग हुई वो सोमनाथ मंदिर ढूंढने का भी कारोबार सारा उन्होंने हाथ में ही सौंपा और कराची में भी बिना भाइयों के सहयोग के यज्ञ तो नहीं चलता वो ही भाई निमित्त था और कन्याओं माताओं में मुरली में बोल दिया इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमारका की तो मम्मा बाबा ने शूटिंग पीरियड में किसको निमित्त बनाई दिया अपनी गद्दी का विश्व किशोर भाऊ और कुमार का दादी को उसके बाद सेकेंड नारायण की बात तो हुई फर्स्ट नारायण के बाद सेकेंड नारायण
नंबर दो का नारायण, नंबर दो के नारायण की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, नहीं बनती हैं? क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो सतयुग की सेकेंड डायनेस्टी की कम कलम वाली ऐसी आत्माएं हैं जो द्वापर युग से पहले पहले कन्वर्ट हो जाती हैं, और ढेर के ढेर भारतवासियों को भी कन्वर्ट करने के निमित्त बन जाती हैं। इससे साबित होता है कि उनके बाद आने वाले और जो छह नारायण हैं, उनकी भी मूर्तियां नहीं बनती हैं, मंदिर नहीं बनते हैं, पूजा नहीं होती है। तो उनके जीवन चरित्र जानने के लिए मनन चिंतन मंथन करना अच्छी बात है या खराब बात है, उनके बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे, इतना जान लेना काफी है। कि ब्रह्मा बाबा के बाद वाले सातों नारायण भारत को गिराने वाले हैं और भारतवासियों को भी गिराने वाले हैं। उनकी बायोग्राफी में हमको क्यों क्यों मजा आएगा? आदमी कुंडली में बोला ब्रह्म को फॉलो करो। हाँ, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। क्योंकि दोनों साथ साथ हैं। और ब्रह्मा बाबा हम बच्चों का दादा है। हाँ जी, तो गुजर दादी में जब जाते हैं ब्रह्मा बाबा, तो बाबा से तो अलग भजन है, बाप दादा कहते हैं। है? में कहा जाता है तो बाप दादा, दादा को अलग कहने चाहते हो तो वो किसी मिल के एक हो जाता है। हाँ, यज्ञ के आदि से ही बच्चों ने उपक्रम किया, बाप और दादा में झगड़ा कराई दिया, बाप दादा अलग अलग हो गए और 68-69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो फिर किसके साथ ज्वाइंट हो गए? है फिर राम बाप के साथ ज्वाइंट हो गए। ज्वाइंट हुए या नहीं हुए? ज्वाइंट हो गए। वो मनसा की बात है, बाद में प्रैक्टिकल में भी ऐसा पार्ट बजेगा। कैसा पार्ट? कि दोनों मिलकर के एक होकर के पार्ट बजावेंगे। अभी विरोधाभास देखने में आता है। क्यों देखने में आता है? क्योंकि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के ऊपर, धरणी माता का परछावा पड़ता है। वो धरणी माताएं कहां बैठी हुई है ज्यादा संख्या में? एडवांस में नहीं है, एडवांस में भी है,
और बेसिक में भी है, जो ब्रह्मा बच्चे के ऊपर परछावा डाल रही है, प्रभावित कर रही है। एक ऐसी भी स्टेज आवेगी, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा प्रभाव से मुक्त हो जाएगा और 2500 वर्ष के लिए मुक्त हो जाएगा। तब पता चलेगा, सारी दुनिया को पता चलेगा कि बाप और बच्चे का क्या संबंध है, बाप और दादा का क्या संबंध है, जन्म जन्मांतर का क्या संबंध है। दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे और ब्रह्मा बाबा जब जाते हैं दिलचस्ता के लिए तो आपसे राय लेके जाते हैं आपसे राय लेके जाते होंगे है? और अव्यक्त वाणी में बोला है बाप दादा, बाप तो शिव बाप है ना, वो शिव बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है या चला गया है, निराकार में आया हुआ है या आकार में आया हुआ है या साकार में आया हुआ है। तो साकार में बाप है और उसके साथ दादा भी है। साथ का मतलब तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव बाप मुकर्रर रूप से ब्रह्मा बाबा में भी प्रवेश करता है, क्योंकि ब्रह्मा की सोल तो ज्यादा से ज्यादा समय सूक्ष्म बतन में पार्ट बजाय रही है। सूक्ष्म बतन वासी ब्रह्मा में शिव नहीं आते हैं। और पिताजी तो वहाँ 8 साल दामोदर कंजूम 8 साल, लेकिन दामोदर कंजूम में व्यभिचारी और भिखारी होता है, सचिन तेरे में तो नहीं होता है, दोनों का 8 साल कैसे होगा, सचिन से कम होता है, बराबर कैसे हो जाए, बराबर कैसे हो जाते हैं? तो 8 कला हाँ, त्रेता के अंत तक आकर 8 कलाएं कम हो जाती है। इधर में 8 कला हाँ, उधर में तो विकार नहीं है, कोई भ्रष्ट विकार नहीं है। तराजू होता है, बहुत अच्छा सेंसिटिव तराजू होगा, तो उसमें थोड़ा अंश भी एक पलड़े में ज्यादा हो जाएगा तो नीचे दिखाई पड़ेगा या समान दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे ही है, बैलेंस बिगड़ जाता है। आत्मिक स्टेज का बैलेंस बिगड़ता है तो द्वैतवाद आ जाता है, दो दो धर्म हो जाते हैं, दो दो धारणाएं हो जाती हैं, दो दो कुल हो जाते हैं, दो दो वंश हो जाते हैं, दो मतें हो जाती हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं। अद्वैत देवताओं का राज्य खत्म हो जाता है। और ब्रह्मा या लिंगान को फल करने से हम सभी का हाथ मिल में हो जाएगा, वो अभी साकार में नहीं है क्या?
साकार में प्रवेश करके पार्ट नहीं बजा रहा है क्या? जैसे आत्मा साकार शरीर में प्रवेश करती है तब ही पार्ट बजाती है, ऐसे ब्रह्मा की सोल कोई साकार तन में पार्ट बजाए रही है या नहीं बजाए रही है? हैं? तो आपको किसको फॉलो करना है? शरीर छोड़ने वाले को फॉलो करना है? हाँ जी। और में 2018 में कृष्ण का जन्म होगा। कृष्ण कितने हैं? अरे तुम्हारी नजर में कृष्ण कितने हैं? दो कौन कौन से? एक संगमयुगी कृष्ण, एक सतयुगी कृष्ण। दोनों में साकार शरीरधारी कौन सा है और संपूर्ण आत्मा बनकर के बाप दादा मिलकर एक हो जावेंगे, वो पार्ट बजाने वाला कौन सा है? है संगमयुगी कृष्ण है। दोनों हाफ पार्टनर हैं। और सती के साथ शिव बाबा का क्या संबंध है? सती माने क्या? सती माने सत्य को धारण करने वाली, और सत्य माने क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम किसको कहा जाता है? भगवान को ही कहा जाता है। तो जो सत्य को धारण करने वाली है वो ही सती है। तो सत्य और सती दोनों का क्या संबंध हुआ? है? दोनों का संबंध क्या हुआ? अरे धारणा शक्ति किस में होती है? कन्याओं माताओं में ही धारणा शक्ति होती है। जितनी धारणा शक्ति होगी उतनी बड़ी सती नारी होगी। धारणा शक्ति होगी तो परसेंटेज में कम सत्य को धारण करेगी या 100% सत्य को धारण करेगी? इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सब नंबरवार हैं। 100% सत्य को धारण करने वाला एक ही मनुष्य है जिसको नारायण या कहा जाता है या शंकर कहा जाता है। बाकी सब नंबर वार है।
जैसे शास्त्रों में पांच पांडवों के नाम आए हैं, तो ऐसे नहीं है कि एक ही युधिष्ठिर था, एक ही भीम था, एक ही अर्जुन था। बाबा बुरली में क्या कहते हैं, तुम सब नंबर वार अर्जुन हो, या एक अर्जुन को गीता सुनाई, सब नंबर वार अर्जुन हो। ऐसे ही भारत की सती नारियां भी नंबर वार हैं। और सच्चाई को धारण करने वाली आत्माएं भी नंबर वार हैं। सब पुरुष एक जैसे सत्य नहीं हो सकते। नंबरवार झूठे हैं, नंबरवार सत्य हैं। आज दिल्ली में बोला है खुशनुमा संतुष्ट है। हाँ, खुश किस्मत अलग बात, खुश किस्मत अलग बात, खुशनुमा अलग बात, और संतुष्ट मणि अलग बात। हाँ, जो संतुष्ट मणि होगा उसका चेहरा खुशनुमा दिखाई देगा, इतनी बात जरूर है। किस्मत जब कहा जाता है तो इस जन्म के और पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का हिसाब किताब देखा जाता है। जिन कर्मों के हिसाब किताब से किस्मत बनती है, कोई की अच्छी किस्मत है तो खुश किस्मत देखने में आता है, अच्छे कर्म नहीं किए हैं पूर्व जन्म में तो बदकिस्मती देखने में आती है। और जगदम्बा का पिता कौन है, वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा कौन है, है? ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, तो ब्रह्मा का बाप कौन है, ब्रह्मा की बच्ची है जगदम्बा या पत्नी है, है? बच्ची है। और कौन से ब्रह्मा की बच्ची है, प्रजापिता ब्रह्मा की बच्ची है। और मुसलमानों के घर में 786 लिखा रहता है, 7, 8 और 6, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है, है? तीनों नंबरों को जोड़ा जाए तो कितने आवेंगे,
21 आवेंगे। नारायणों को गिना जाए, सतयुग का अंतिम नारायण से लेकर ऊपर तक के नारायणों को गिना जाए तो इस्लाम धर्म का नारायण कौन से नंबर में आवेगा? सतयुग में अंतिम जन्म के नारायण से ऊपर की ओर गिना जाए सेवेंथ नंबर नारायण आएगा, वो इस्लाम धर्म का नारायण हुआ। और उसका बाप कौन है? है आठवें नंबर का नारायण। और बच्चा कौन है? है हाँ कौन सा है? छठे नंबर का नारायण कौन है? बौद्ध धर्म का नारायण। उसको कन्वर्ट करके अपनी रचना बना लेता है। जैसे बाबा आते हैं तो सारी दुनिया रावण संप्रदाय है, रावण संप्रदाय को कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं? राम संप्रदाय बनाते हैं। ये बेहद के एडॉप्शन है। तो तीनों नंबर को विशेष मानते हैं। और ऐसा व्यर्थ अर्थ बोल का पता ही नहीं, उनको पता नहीं है लेकिन आपको तो पता हो गया। जो संबंध है उन संबंधों में जाति रख बाप की बेटे की तरफ जाती है। और किसकी तरफ जाती है? बेटे का भी। जब बेटा पैदा हो जाता है तो पोते की तरफ रख जाती है। ये तीनों ही संबंध बड़े नजदीक हैं। इसलिए तीन अंकों को इकट्ठा कर दिया। ये मोही बनने वाली बात है या निर्मोही बनने वाली बात है? और धर्म जितने भी हैं वो मोही बनना सिखाते हैं, नष्ट मोहा बनना नहीं सिखाते। और बाप क्या सिखाते हैं? मेरा तो एक दूसरा न कोई। तीन अंकों में बुद्धि नहीं जानी है। किसमें बुद्धि जानी है? एक में बुद्धि जानी चाहिए। और सांप जो होते हैं वो काटते हैं, दंश मारते हैं। और अजगर सांप पूरा ही हप कर लेता है। तो बेहद में इसका अर्थ क्या है? अरे 20 बार मुरलियों में बोला है, माया कौन सा सांप है? अजगर सांप है। माया पूरा ही कच्चा चबाई जाती है, पूरा ही हप कर लेती है। माया के मुकाबले
और जो आत्माएं हैं वो काटने वाली है, सिर्फ दंश मारती है, पूरा हप नहीं करती है। बाबा सतयुग में बाबा और छोटी मम्मा छोटी मम्मी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सतयुग में बनेंगे है, संगम में बनेंगे। सतयुग में जो राजाई मिलेगी वो भगवान बाप देंगे, या कोई दूसरे से मिलेगी है। सतयुग में जो राजाई मिलेगी वो सतयुग की राजाई कही जाएगी, विश्व की बादशाही नहीं कही जाएगी, क्योंकि सतयुग में विश्व होता है या थोड़ी आत्माएं होती हैं, थोड़ी आत्माएं होती हैं। शिव बाबा तो हमको सारे विश्व की बादशाही देने आया है, तो सारे विश्व की बादशाही लेने वाले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है। आगे पूछा है ब्रह्मा बाबा कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो जगदम्बा क्या बनेगी। राजमाता तो संगम युग में ही राजमाता बन गई, भक्ति मार्ग में भारत में राजाओं की राजाइयां चलती थी, तो राजलक्ष्मी की गद्दी अलग, राजा की भी गद्दी होती है, राजलक्ष्मी की भी गद्दी होती है, लेकिन दोनों के मुकाबले ऊंची गद्दी पर किसको बैठाया जाता है, राजमाता को बैठाया जाता है। तो जगदम्बा तो संगम युग में ही ऊंची स्टेज प्राप्त कर लेती है, जैसे सूर्यवंशी नारायण संगम युग में ही विश्व का बादशाह बन जाता है, फिर क्या सतयुग में भी जाकर ऊंचा पद पावेगा है कि नीचे उतरता जाएगा, नीचे उतरता जाएगा। ऐसे ही जगदम्बा भी ऊंचा पद संगम युग में पाती है, फिर सतयुग में तो नीचे उतरती जाएगी। जैसे राम का गायन सतयुग में नहीं है, त्रेता में फिर ऊंचा पद बनता है। हर एक जन्म में कोई ऊंचा पद नहीं पा सकता, ऐसे ही हर आत्मा का हिसाब बना हुआ है। बाप के असली बच्चे हैं वो ही असली मददगार बनते हैं। इसका अर्थ क्या है, कौन असली है कौन नकली है, कौन मातेले हैं कौन सौतेले हैं, मातेले उनको कहा जाता है
जो पहली माँ से जन्म लेते हैं और सौतेले उनको कहा जाता है जो बाद की माताओं से जन्म लेते हैं। तो यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं जो सौतेले होते हैं वो दूसरे धर्म में दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आने से कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने वाले बाप के मातेले बच्चे नहीं कहे जाएंगे। वो मददगार बनते ही नहीं हैं, या थोड़े मददगार बनेंगे और जास्ती विरोधी बन जाएंगे। और आजी वो बेसिक वाले ना है ना है? बेसिक वाले जो है वो लोग गांव गांव में जाके पर्ची देते हैं और बाबा का संदेश दे रहे हैं, तो जाकर हम लोग तो सामने भी वो आ गया है, तो उसको लिए क्या, उसके लिए कैसे हम लोग सेवा करना चाहिए? पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। हम राजयोग सीख रहे हैं या प्रजा योग सीख रहे हैं? हमको बाप राजयोग सिखाकर राजा बनाता है, तो हम राजाओं को संदेश देने वाले हैं, संदेश देकर के राजा बनाते हैं या प्रजा बनाते हैं? और बेसिक वाले क्या बनाते हैं? वो प्रजा बनाते हैं। उनकी बनाई हुई जो प्रजावर्ग की आत्माएं हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनती हैं, उन ब्राह्मण महात्माओं को हम बाप का संदेश देकर के, बाप की शिक्षा देकर के क्या बनाते हैं? राजा बनाते हैं। स्वाधीन बनो, बाप आया हुआ है ऊंचते ऊंच, कोई भी नीची आत्मा के अधीन नहीं बनना है। क्या सिखाते हैं? मनुष्यों के अधीन, मनुष्य गुरुओं के अधीन नहीं बनना है। कोई भी मनुष्य गुरु के अधीन बनेंगे तो वो तुमको नीचा बनाएंगे या ऊंचा बनाएंगे? अपने से नीच बनाए देंगे, अपना दास दासी बनाए लेंगे। बाप तो अपने सब बच्चों को राजा बनाने आया है। प्रजा वर्ग में भी आने वाली आत्मा क्यों न हो, लेकिन पहली डायनेस्टी जो संगम युग की स्वर्णिम संगम युग में डायनेस्टी होगी, उसकी खासियत है जो और नीची नीची डायनेस्टीज में खासियत नहीं होती है। क्या खासियत? यथा राजा तथा प्रजा। जैसे परिवार में बच्चा होता है, वो बच्चा भी कहता है मेरा कारखाना, और बाप भी कहता है मेरा कारखाना। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिर्फ सूर्यवंशियों में होती है, जो ज्ञान सूर्य बाप के प्रैक्टिकल बच्चे बनते हैं। औरों में ये भावना नहीं आती। आज की सरकार दुनिया की लास्ट डायनेस्टी है। यहां कोई को अनुभव होता है? प्रजा को ये अनुभव होता है
कि प्रधानमंत्री के हम बच्चे हैं, राष्ट्रपति के बच्चे हैं, और हमारा भी वो ही मर्तबा है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का मर्तबा है। यथा राजा सुखी है तथा प्रजा यहाँ सुखी है नहीं है, और वहाँ स्वर्णिम संगम युग जो बाप स्थापन करने आया है उस राजधानी में कोई भी बच्चा होगा वो खुशनुमा दिखाई देगा, दुख की लहर उसके चेहरे पर नहीं आ सकती। गति और सदगति कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? गति माने स्पीड, जैसे कोई गाड़ी होती है तो पूछा जाता है तुम्हारी गाड़ी की स्पीड क्या है, तीव्र गति है या मध्यम गति है, तेज दौड़ने वाली है या धीमी चाल से चलने वाली है। गति माने स्पीड, तो ये बेहद की गति सदगति की बात है। पहले बेहद की गति है, मन बुद्धि की गति देखी जाती है, मन बुद्धि की स्पीड कितनी तीखी है। सूर्यवंशी आत्माओं की स्पीड और चंद्रवंशी आत्माओं की स्पीड, उनकी मन बुद्धि की स्पीड में अंतर होगा या नहीं होगा? जरूर अंतर होगा। ऐसे ही जो इस्लाम वंश की आत्माएं हैं, बौद्ध धर्म की जो आत्माएं हैं, क्रिश्चियन धर्म की जो आत्माएं हैं, वो भी स्पीड में नंबरवार होंगी या एक जैसी होंगी? वो भी नंबरवार होंगी। तो आत्माओं की गति हो रही है इस समय, जब विनाश होगा, सारी दुनिया का अंतिम विनाश होगा, तो सब आत्माएं अपनी अपनी गति से, अपनी अपनी तीव्र गति से परम धाम की ओर ऊंची उड़ेंगी, दौड़ लगाएंगी। सबसे अच्छी गति किसकी होगी है? जो सूर्यवंशी आत्माएं होंगी, ज्ञान सूर्य के प्रैक्टिकल में बच्चे बने होंगे, उनकी गति सबसे तीखी होगी। उनकी संख्या कितनी होगी? 4.5 लाख उनकी संख्या है। परंतु वो 4.5 लाख प्रवृत्ति मार्ग वाली होंगी या निवृत्ति मार्ग वाली होंगी? उनकी प्रवृत्ति किसके साथ होगी है? वो सूर्यवंशी जो 4.5 लाख हैं, रुद्रमाला के मणके हैं,
उनकी प्रवृत्ति किसके साथ होगी? है चंद्रवंशी विजयमाला के साथ होगी, उनके सहयोग से दौड़ सकेंगी या उनके बिना सहयोग के लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगी? है उनके सहयोग से ही दौड़ेंगी। तो कितनी संख्या हुई सूर्यवंशियों की? 9 लाख संख्या है। इसलिए कहते हैं 9 लाख सितारे आसमान में ऊंची स्टेज में चमकते हैं। ये तीव्र गति वाले बच्चे हैं। बाकी जो हैं, उनकी गति बहुत धीमी होती जाएगी, इसलिए उनकी गति तो कहेंगे कि उनको अभी गति तो मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती तो है, लेकिन धीमी गति मिलती है, इसलिए 16 कला संपूर्ण नहीं बन पाती, सर्वगुण संपन्न नहीं बन पाती, संपूर्ण अहिंसक नहीं बन पाती। कमजोरी रह जाती है गति में, इसलिए वो आत्माएं द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। उनकी सदगति कहेंगे है? नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कम कलाओं वाली आत्माएं बनती है, उनके कम जन्म होंगे। कम जन्म लेना, कम कलाओं में आना, ये सदगति नहीं है। कुछ न कुछ क्या हो गई? कुछ न कुछ दुर्गति हो गई। सच्चित आनंद के बच्चे नहीं है। जो सदगति पाने वाले हैं वो इसी जन्म में सदगति का अनुभव करेंगे। हाँ, वो 2 प्रकार के हैं। एक वो है जो रुद्रमाला के मण के हैं, भगवान बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, और दूसरे वो हैं जो विजयमाला के मण के बनते हैं। चंद्रवंश से आते हैं और सूर्यवंश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से युग में? इसी संगम युग में कन्वर्ट हो जाएंगे, और धर्म की आत्माएं कन्वर्ट नहीं हो सकेंगी। तो जो कन्वर्ट हो जाते हैं सूर्यवंश में और प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको सदगति मिलती है। हाँ, उनकी प्राप्ति 2 प्रकार की हो जाती है। जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो जन्म जन्मांतर की रानियां हैं, और जो ओरिजिनल बाप के बच्चे हैं वो जन्म जन्मांतर के राजाई स्वभाव वाले हैं। जो बाप के बच्चे हैं बहुत ऊंची स्टेज वाले हैं, वो फिर द्वापर कलयुग में आने पर संघर्ष करते करते दूसरे धर्मों के साथ अंतिम जन्म में वो भी माया के चंबे में आ जाते हैं, और जब माया के चंबे में आ जाते हैं तो सबसे जास्ती दुर्गति में जाते हैं।
एक जन्म के लिए जाते हैं या अनेक जन्मों के लिए जाते हैं? अंतिम जन्म में सिर्फ सबसे जास्ती दुर्गति में जाते हैं। ऐसे नहीं कि द्वापर युग शुरू हुआ और दुर्गति में चले गए। वो कौन से धर्म की आत्माएं हैं जो द्वापर युग शुरू होते ही कन्वर्ट हो जाते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं, पराये धर्म को अपना लेते हैं? कौन से धर्म के हैं? इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं। उनमें व्यभिचार बहुत पनपता है। संगम युग में ही उनमें व्यभिचार पनपता है। कौन सा व्यभिचार? ब्राह्मण बन करके भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता कि आंखों से भी सबसे जास्ती व्यभिचार होता है। ये दृष्टि का जो लेन देन है, इस दृष्टि से सृष्टि सुधरती भी है। परंतु किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? भगवान बाप की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है और मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि सुधरती नहीं है और ही बिगड़ती जाती है। परंतु ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठती, इसलिए संगम युग में ही करप्शन के आदि हो जाते हैं, अभ्यासी हो जाते हैं और द्वापर युग शुरू होते ही वही अभ्यास मैदान में आ जाता है और वो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी सूर्यवंशी आत्माएं जो बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, वो द्वापर युग में उनका मुकाबला करते हैं और वो मुकाबला करके उन्हें अरब देशों की ओर खदेड़ देते हैं। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार दुनिया में दो राज्य स्थापन हो जाते हैं, द्वैतवाद शुरू हो जाता है, दो प्रकार की धारणाएं शुरू हो जाती हैं, दो कुल बन जाते हैं। जो भारत में रहने वाले हैं द्वापर के आदि में, वो भाई बहन में शादी करना बहुत पाप समझते हैं और इस्लामी लोग भाई बहन में शादी करना धर्म की बात समझते हैं। इस बात का भी फाउंडेशन उनकी आत्मा में कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है, पड़ रहा है। जो बाबा कहते हैं ब्रह्मा की संतान हो तो आपस में तुम क्या हो? भाई बहन हो। भाई बहन की दृष्टि इस्लामियों की दृष्टि जो द्वापर युग में भाई बहन में होती है और भारतवासियों की भाई बहन की दृष्टि में कितना फर्क हो जाता है। जो बाप ने किया वो हमने किया। बाप ने सर्विस की या डिसर्विस की? सदैव सर्विस की। बाप श्रीमत पर चला या मनमत पर चला, मनुष्यों की मत पर चला? सदैव श्रीमत पर ही चला।
बाप ने जो कर्म किए हैं वो ब्रह्मा के द्वारा प्रत्यक्ष किए हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों को हमें फॉलो करना है। कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और डायरेक्शन बाप का मानना है। इसको कहते हैं फॉलो फादर। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, गीता पाठशालाओं में दोपहर 3 बजे क्लास में जाने से माताओं को बड़ी तकलीफ होती है। पहले जैसा 5 से 7 बजे तक क्लास होने से अच्छा होगा, और मधुबन में 1 बजे से क्लास होना अच्छा होगा। गीता पाठशालाओं में क्लास रखना है, सभी का मत लेकर के। जैसे सबकी राय हो वैसा ही क्लास का टाइम रखना है। अच्छी गीता पाठशालाएं और इंचार्ज वो हैं जो सब जिज्ञासुओं का ध्यान रखें। और बाबा की श्रीमत का भी ध्यान रखें। टाइम के हिसाब से देखा जाए तो क्लास करने का, संगठन में याद में बैठने का और मुरली के बुद्धि में बैठने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है? है अमृत वेले तो रात होती है, क्लास में आना जाना सभी कन्याएं माताएं नहीं कर सकती। बाकी सूरज निकलने के बाद अथवा दिन निकलने के बाद याद में अच्छा बैठा जा सकता है संगठन में। और याद में संगठन में बैठने के बाद मुरली जो सुनी जाती है उसकी धारणा भी बहुत अच्छी होती है, गहराई से मुरली समझ में आती है। इसलिए कोशिश करके अमृत वेले का क्लास नहीं करें, क्योंकि अंधेरा होता है, लेकिन अमृत वेला जैसे ही पूरा होता है 5 बजे के बाद 5:30 बजे वो टाइम बहुत अच्छा है क्लास करने के लिए। गीता पाठशालाओं में भी फिर कोई को बाल बच्चे संभालने पड़ते हैं, घर में सब एक जैसे ज्ञान में चलने वाले नहीं है, बच्चों को डागली पढ़ाई पढ़ाने के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं तो वो क्लास में नहीं आ सकते। तो उनके लिए दोपहर का भी क्लास रखा जा सकता है, क्योंकि दोपहर में ज्यादातर माताएं फ्री होती हैं, घर के लोग काम पर चले जाते हैं, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, तो उन माताओं को भी खुश करना अच्छा है। और शाम का क्लास भी 1 घंटे हो जाए, 1.5 घंटे हो जाए, परंतु अंधेरे में उनको वापस न जाना पड़े, ये बात का ध्यान रखें।